ड्रिंक्स बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं अगर आप कोई स्नैक ले रहे हैं, या फिर अगर आप टायर्ड फील कर रहे हैं, या फिर डिहाइड्रेटेड फील कर रहे हैं, या फिर आपको बहुत तेज प्यास लगी है। हर टाइम पे जो इस तरह के ड्रिंक्स हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आज मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ने मेरे यूट्यूब चैनल फूड जासूस पे ऐसे ही 35 ड्रिंक्स के बारे में बताने वाली हूँ, और साथ ही ये भी बताने वाली हूँ कि इसमें से सबसे ज्यादा हेल्दी कौन सा ड्रिंक है। तो यहाँ पे मैंने ड्रिंक्स को 6 कैटेगरीज में बांटा है जिसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा वाला आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्दी है, और कौन सा वाला आपको अपनी डाइट में मॉडरेटली ले सकते हैं, और कौन सा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। जो कैटेगरीज का नाम है, सबसे पहले तो कार्बोनेटेड बेवरेजेस, उसमें मैं बताऊंगी कि सबसे ज्यादा हेल्दी और अनहेल्दी ऑप्शंस आपके लिए क्या है। दूसरा आता है जूसेस का, तीसरा आता है आपके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स रिलेटेड बेवरेजेस जो होते हैं, फोर्थ नंबर पे स्क्वैश पाउडर्ड या ग्लूकोज इस तरह की चीजें जो होती है वो आएंगी, पांचवे नंबर पे नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस के बारे में बताऊंगी, और छठे नंबर पे जो आपके पाउडर्स होते हैं मिल्क शेक में मिला के पी सकते हैं प्रोटीन पाउडर्स, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर बता दूं कि मैं किसी भी फूड कंपनी से स्पॉन्सर्ड नहीं हूं, ना ही मैं किसी प्रोडक्ट को डिफेम करने की कोशिश कर रही हूं। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होने के नाते प्रोडक्ट पे जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, ताकि आप अपने आप से ही प्रोडक्ट चूज कर सके और कोई कंफ्यूजन ना हो। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यूथ हो या बच्चे हो या बूढ़े हो, सब में सबसे ज्यादा पॉपुलर तो सोडाज ही है। तो चलिए हम सोडा में सबसे हेल्दी ऑप्शंस क्या है वो देखते हैं। चाहे हम नॉर्मल कोक की बात करें चाहे पेप्सी की, दोनों में ही एक ही तरह के ऑलमोस्ट इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, दोनों ही फुल ऑफ शुगर हैं, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स भी मिलाए गए हैं, और साथ ही साथ इसमें हार्मफुल कलर्स भी हैं जो आपको तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। बट हाँ, ओकेजनली अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट डेली अगर आप लेना चाहते हैं तो बिग नो नो। अब आपको पता है कि इन प्रोडक्ट्स में बहुत ही ज्यादा शुगर है, तो इस वजह से जो कंपनीज हैं वो हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए नो शुगर कोक भी निकाला है। लेकिन क्या है, आपको ये पता है कि रेगुलर वाले से ज्यादा खतरनाक आपका डाइट वाला है, क्योंकि एनी हाउ आप चीनी को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो डाइट कोक में आर्टिफिशियल शुगर मिलाए गए हैं वो हेल्थ के लिए चीनी से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर आप इन दोनों के बीच में पूछेंगे कि कौन सा वाला लेना चाहिए, तो मैं तो बोलूंगी कि रेगुलर वाला ही लीजिए, लेकिन हाँ ओकेजनली लीजिए एंड कंट्रोल पोर्शन इज द की। ये तो कोला के बारे में बात हो गई है, अब हम बात करते हैं जो अदर बेवरेजेस हैं उनके बारे में। अगर हम स्प्राइट की बात करें तो इसमें हार्मफुल कलर्स तो नहीं है, लेकिन हाँ प्रिजर्वेटिव्स तो मिलाए गए हैं, और साथ ही साथ शुगर भी बहुत ज्यादा हाई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्लियर वाले बेवरेजेस हैं, क्योंकि इसमें कोई कलर नहीं मिलाया जाता, इस वजह से ये ज्यादा हेल्दी है एज कम्पेयर टू कोला। अब हम अगर रेडबुल की बात करें तो रेडबुल भी कुछ कम नहीं है, उसमें भी उतने ही ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स मिलाए गए हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंस यही है कि इसमें कैफीन मिलाया गया है, और साथ ही साथ इसमें कुछ बी कॉम्प्लेक्स भी मिलाए गए हैं जो आपकी सेहत के लिए ठीक है। लेकिन अगर हम रेडबुल में भी कलर की बात करें या फिर हम प्रिजर्वेटिव्स की बात करें, तो इसमें भी उतने ही हार्मफुल कलर और प्रिजर्वेटिव्स मिलाए गए हैं जितना कि कोक और पेप्सी में मिलाया गया है। अब हम फ्रूट फ्लेवर कार्बोनेटेड बेवरेजेस की बात करेंगे, जैसे कि फैंटा और मिरिंडा। इन दोनों में ही कोई भी फ्रूट नहीं मिलाया गया है, सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर्स मिलाए गए हैं, और जो भी फ्लेवर्स और कलर्स मिलाए गए हैं इसमें वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। तो अगर आप फैंटा या मिरिंडा को अपनी डाइट में ले रहे हैं तो मैं इनको अभी बोलूंगी कि आप अभी तुरंत इसको बंद कर दीजिए। अब हम ऐसे कार्बोनेटेड बेवरेजेस की बात करेंगे जिसमें फ्रूट मिलाया गया है, जैसे कि एप्पी फिज और नींबू। इन दोनों में भी शुगर कंटेंट कुछ कम नहीं है जितना बाकी बेवरेजेस में है, ऑलमोस्ट उतना ही है। साथ ही साथ इसमें प्रिजर्वेटिव्स, एसिड रेगुलेटर्स, बाकी सारी चीजें भी मिलाई गई हैं, बट इसमें कुछ ना कुछ फ्रूट मिलाया गया है। जैसे कि अगर आप बात करें एप्पी फिज की, तो इसमें एप्पल जूस कॉन्सेंट्रेट मिलाया गया है, ऐसे ही नींबू में भी एक्चुअल नींबू भी मिलाया गया है। तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, सो ओवर कोला बेवरेजेस दिस इज बेटर देन देम। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि इनमें से जो आपके लिए हेल्दी ऑप्शन है वो क्या है, क्योंकि सभी जो है फुल ऑफ शुगर है, फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स एंड कलर्स हैं जो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे आता है प्लेन सोडा। प्लेन सोडा की एक खासियत है कि कार्बोनेटेड बेवरेजेस आप घर पे ही बना सकते हैं, वो भी अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर आप चाहें
तो शुगर भी कंट्रोल कर सकते हैं, शुगर की जगह स्टीविया डाल सकते हैं जो एक आर्टिफिशियल प्लांट बेस्ड शुगर है, लेकिन आपके लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। तो आप हेल्दी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे जिद करते हैं इस तरह के बेवरेजेस पीने के लिए, तो आप उनको घर पे ही ये बना के ऑफर करें, डेफिनेटली आपके बच्चे इसे ज्यादा पसंद करेंगे। इसको आप रेगुलरली पी सकते हैं, डेली पी सकते हैं। अगर आप बात करते हैं कोला की, तो आप डेली नहीं पिएंगे तो अच्छा रहेगा। जो प्रेग्नेंट लेडी है, छोटे बच्चे हैं या डायबिटिक है, उनके लिए तो ये सारी चीजें जहर है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप सोडा की बात करें, तो प्रेग्नेंट लेडी हो, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे डायबिटिक पेशेंट्स हो, वो सभी इसको एंजॉय कर सकते हैं अपने फ्लेवर्स के अकॉर्डिंग। अगर आप कभी कभी लेते हैं इन सारे प्रोडक्ट को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एप्पी फिज और नींबूज को भी आप ओकेजनली ले सकते हैं, इसको मैं मॉडरेट वाले में रखूंगी, लेकिन बाकी इन सबको तो आप जितना अवॉइड कर सके आपके लिए उतना अच्छा है। और हाँ, आगे बढ़ने से मैं पहले ये भी बता दूं कि इन सारे प्रोडक्ट का इंडिविजुअल मैंने रिव्यू किया हुआ है मेरे चैनल फूड जासूस पे, तो उसे भी अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल फूड जासूस को विजिट करें और सारी वीडियोस देखें। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो है जूसेस के लिए। अगर हम बात करते हैं टेट्रा पैक की, तो जितने भी टेट्रा पैक्स होते हैं उनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स एंड कलर्स होते हैं, ज्यादा से ज्यादा फ्लेवर होते हैं और फ्रूट कॉन्सेंट्रेट बहुत ही कम मात्रा में होता है। जो भी इनमें फ्रूट कॉन्सेंट्रेट मिलाया भी जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा प्रोसेस्ड होता है, क्योंकि पहले फ्रूट का जूस निकाला जाता है, फिर उसे गाढ़ा किया जाता है, उसका कॉन्सेंट्रेट बनाया जाता है, तो जितने भी उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट लूज हो चुके होते हैं। तो इसमें बस समझ लीजिए कि फ्रूट के नाम पे कुछ भी नहीं आता। अगर आप एक्चुअल फ्रूट खाते हैं या फिर एक्चुअल फ्रूट जूस लेते हैं, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे ब्रांड्स की बात करते हैं जो बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा नेचुरल चीजें हैं इसमें। तो अगर हम पेपर बोट की भी बात करें, तो इसमें भी बहुत ही ज्यादा फ्रूट से भरा हुआ कुछ नहीं होता है। इसे मार्केट ऐसे किया गया है कि ये बहुत नेचुरल है, लेकिन इसमें भी प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, इसमें भी फूड एडिटिव्स हैं और इसमें भी बहुत सारा शुगर भी है। ऐसे ही अगर हम बात करें पल्पी ऑरेंज के, तो इसमें आपको पल्प जरूर पता चल रहे होंगे, इसमें पल्प है, बट इसके साथ साथ बहुत ही सारे हार्मफुल कलर्स, फ्लेवर्स और शुगर भी मिलाया गया है। तो अगर आप पल्पी ऑरेंज को रियल ऑरेंज से अगर रिप्लेस कर रहे हैं, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए और अपने बच्चों से भी इस प्रोडक्ट को दूर रखिए। पर मार्केट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसे आप रेगुलरली डेली ले सकते हैं। अगर हम बात करें इस रियल टेट्रा पैक कोकोनट वाटर की, तो इसमें हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स तो मिलाए गए हैं, लेकिन एटलीस्ट इसमें बहुत सारे जो अदर केमिकल्स होते हैं या फिर फूड एडिटिव्स होते हैं या फिर फूड कलर, फूड डाइज होते हैं, वो इसमें प्रेजेंट नहीं है। सबसे अच्छी बात इसकी यही लगी मुझे कि इसमें कोई शुगर नहीं है, जो डायबिटिक पेशेंट्स भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रेग्नेंट लेडी की, तो प्रेग्नेंट लेडी को भी ये प्रोडक्ट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाए गए हैं। पर अगर हम बात करते हैं पेपर बोट कोकोनट वाटर ऐसे बॉटल पैक में जो आता है, और जो रियल का आता है ऐसे पैक, इन दोनों की बात करें, तो ये बहुत ही अच्छे दो प्रोडक्ट्स हैं जो कोई भी ले सकता है। पेपर बोट में थोड़ा सा चीनी मिलाया गया है, ऑलमोस्ट एक चुटकी के बराबर चीनी मिलाया गया है, लेकिन अगर हम रियल की बात करें, तो इसमें 100% कोकोनट वाटर है और इसमें कोई एडिड शुगर नहीं है। तो इसे डायबिटिक पेशेंट हो या छोटे बच्चे हो या फिर प्रेग्नेंट लेडी हो, सभी इसे बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करके पी सकते हैं। तो मार्केट में जो हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से ये कोकोनट वाटर हेल्दी प्रोडक्ट्स में आ सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी आता है मिल्क बेस्ड बेवरेजेस। तो मिल्क बेस्ड बेवरेजेस में अगर हम शेक्स की बात करें, तो दूध की वजह से इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आते हैं, बट इन शेक्स में ये प्रॉब्लम है कि इसमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, इतनी भी ज्यादा नहीं होती है जितना कि आपको पेप्सी कोला या अदर जूसेस में होती है, इतनी ज्यादा भी इसमें शुगर नहीं है। इनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं और साथ ही साथ फूड कलर भी मिलाया होता है, जो बहुत ही डेंजरस है। इन प्रोडक्ट्स के साथ एक और ये प्रॉब्लम है कि इसमें से फ्रेम तो कर देते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें एक्चुअल बादाम है, केसर है, बट अगर आप एक्चुअल में देखने जाएंगे इसके अंदर क्या है, तो बहुत ही मिनिमल या फिर ना के बराबर बादाम या केसर या कोई भी नेचुरल चीजें मिलेगी। बट अच्छी बात इनमें ये है कि ये मिल्क बेस्ड होते हैं और मिल्क एनीहाउ आपकी बॉडी के लिए ज्यादा अच्छा है रेदर देन एम्प्टी कैलोरीज। मैं तो यहाँ इसलिए सेटिस्फाइड हूँ, एटलीस्ट ये एम्प्टी कैलोरीज तो नहीं है। बाकी अगर आप लस्सी की बात करें, तो अगर आप नॉर्मल लस्सी लेते हैं, तो इसमें ऐसे कोई कलर तो नहीं रहेगा,
लेकिन अगर आप इस तरह के फ्लेवर लस्सी लेते हैं तो उसमें कलर मिलाया होता है जो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। बाकी जो ये टेट्रा पैक्स हैं, इसको भी आप ओकेजनली रेलिश कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा हार्मफुल चीजें कुछ नहीं है जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो आपकी सेहत के लिए। प्लस ये याद रखें कि ये एम्प्टी कैलोरीज नहीं है। पर इनमें भी जो बेस्ट ऑप्शन है वो है छाछ का ऑप्शन। अगर आप कुछ छाछ लेते हैं शेक्स की जगह पे या फिर आप लस्सी की जगह पे तो बेटर है। अगर आप बहुत ज्यादा फैन है मिल्क शेक या लस्सी का तो अगर आप उसे घर पे बना के लेते हैं तो आपकी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा रहता है। अगला नंबर आता है स्क्वैशेस का। स्क्वैशेस का मतलब ही ये होता है कि वो फुल ऑफ शुगर है। तो यहीं पे जो डायबिटिक पेशेंट्स है या फिर जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो इस तरह के प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो ये स्क्वैशेस होते हैं स्पेशली बच्चों को टारगेट किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो बच्चे ले सकते हैं। अगर हम टैंग की बात करते हैं तो टैंग में तो बहुत ही ज्यादा चीनी है। टैंग में अराउंड 93% सिर्फ चीनी ही है। इसी जगह पे अगर हम नेस्टी से कंपेयर करते हैं तो नेस्टी में बस 78% चीनी है जो टैंग से तो बहुत ही कम है। प्लस नेस्टी में ऐसे कोई हार्मफुल चीजें नहीं मिलाई गई हैं। तो अगर आप कभी कभी लेना चाहते हैं तो आप नेस्टी को जरूर ले सकते हैं। लेकिन उसी जगह पे अगर हम टैंग की बात करें जो स्पेशली बच्चों को टारगेट किया जाता है, इसमें हार्मफुल कलर्स मिलाए गए हैं जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है। टैंग से बेटर अगर आप देना चाहते हैं तो बच्चे को नेस्टी दीजिए, क्योंकि एटलीस्ट इसमें कोई हार्मफुल चीजें नहीं मिलाई गई है जो उनके सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक। अब हम मूव ऑन करते हैं स्क्वैशेस पे। मैं सिर्फ यहाँ पे ठंडाई की बात नहीं कर रही हूँ, ऑल टाइप ऑफ स्क्वैश जो होता है, चाहे वो सनफीस्ट का हो, रुआवजा हो या रसना का हो, कोई भी स्क्वैश हो, सभी स्क्वैशेस में ये फुल ऑफ कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स एंड शुगर होता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा होगा तो कुछ में थोड़े बहुत विटामिन्स एंड मिनरल्स फोर्टिफाई कर देते हैं, वो भी बस दिखाने के लिए होता है। एक्चुअल में उसमें इतना ज्यादा विटामिन मिनरल्स नहीं होता है जो बहुत ही ज्यादा कुछ रिमार्केबल चेंज या ग्रोथ ला सके आपके बच्चे की हेल्थ। तो ऐसे स्क्वैशेस की जगह पे अगर आप उनको ग्लूकोज देते हैं तो उनके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं मिलाए गए हैं और ये आपके बच्चे को इंस्टेंट एनर्जी देगा बिना हार्म किए हुए। लेकिन हाँ, ग्लूकॉन डी में अदर फ्लेवर्स भी आने लग गए हैं। अगर हम इन फ्लेवर्स की अगर हम बात करते हैं तो सेम इसमें ये स्क्वैशेस के जैसे ही है। इसमें ग्लूकोज की मात्रा कम और चीनी की मात्रा ज्यादा मिलाई गई है। साथ ही साथ इनमें हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स और कलर, बाकी सारी चीजें भी मिलाई गई है। तो ग्लूकोज के नाम पे बेचने वाले ये डब्बे भी स्क्वैशेस ही बना दिए गए हैं, क्योंकि इसमें भी चीनी उतना ही है और उतना ही ज्यादा कलर है। तो अगर आप बच्चों के लिए हेल्दी ऑप्शन पूछते हैं तो क्या है, तो मैं यही बोलूंगी कि आप ग्लूकॉन डी का रेगुलर पैक दें। आप ग्लूकॉन डी को फ्रूट जूस में घोल के दे सकते हैं बच्चों को, या फिर इसमें नींबू निचोड़ के दे सकते हैं। यानी कि आप ग्लूकॉन डी को किसी भी चीज में मिला करके इस अपने पसंद का फ्लेवर बना सकते हैं ताकि बच्चे उसको ज्यादा रिलिश करके पी सके। अब हम बात करते हैं नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस के बारे में। ये जो नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस अगर आप देख रहे हैं, जान के आपको शॉक लगेगा कि ये जो है हेल्दीएस्ट ऑप्शन में से एक है। अगर आप किंगफिशर रेडलर की बात करते हैं तो इसमें आपको शुगर भी है, बाकी सारी चीजें भी हैं, बट इसमें कुछ हार्मफुल चीजें ऐसी नहीं मिलाई गई हैं जैसे कि कोक या पेप्सी, फैंटा वगैरह में मिलाई गई है। लेकिन जो ये दूसरा ऑप्शन है बडवाइजर नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक का, ये बहुत ही अच्छा है। दिस इज फार बेटर देन अदर बेवरेजेस, क्योंकि इसमें आपको कोई भी एडेड शुगर नहीं है और ना ही कोई हार्मफुल प्रिजर्वेटिव है। अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा लगता है और या फिर आप अल्कोहल नहीं लेना चाहते हैं और स्टिल आप बियर को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप ये भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, आपके लिए हेल्दी रहेगा। और हाँ, अगर आपको कैलोरी का लग रहा है तो कैलोरी भी इसमें 100 ml में 25 किलो कैलोरी मिलेगा आपको, जबकि अगर आप अदर कोला बेवरेजेस लेते हैं तो उसमें 50, 55, 60 किलो कैलोरीज आपको मिलती है सिर्फ 100 ग्राम में। तो एनी हाउ एनी डे दिस ड्रिंक इज बेटर देन देम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आप शेक्स में मिला के ले सकते हैं, ये कुछ प्रोटीन पाउडर्स हैं, हैबिट कंपनी है। ये प्रोटीन पाउडर्स आपके लिए सेफ है अगर आप लेना चाहते हैं। इनमें कोई भी हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स, कलर या फिर शुगर नहीं मिलाया जाता है। आप चाहे तो इनको ऐसे पानी में घोल के ले सकते हैं या शेक्स में मिला के ले सकते हैं। ये आपकी सेहत के लिए 100% अच्छा है। अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट तरह के फ्लेवर्स भी हैं। आपको जो फ्लेवर पसंद है आप वो वाला फ्लेवर ले सकते हैं। इनफैक्ट इसमें कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स है जो वेगन के लिए भी सूटेबल है, तो अगर आप वेगन है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है।
तो इन सारे कैटेगरीज में जो हेल्दी ऑप्शन है जो अगर आप लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इन फ्यूचर, तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये सोडा, क्योंकि इसमें कोई भी हार्मफुल प्रिजर्वेटिव, कलर या शुगर नहीं मिलाया गया है और आप अपने पसंद से अपना फ्लेवर डाल करके घर पे ही इसे एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा आता है रियल का कोकोनट वाटर। अगर कोकोनट वाटर ऐसे अवेलेबल नहीं है तो आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि ये 100% कोकोनट वाटर है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं मिलाया गया है। तीसरा आता है छाछ। अगर आप किसी भी कंपनी का नॉर्मल छाछ ले रहे हैं तो आप, या फिर मसाला छाछ ले रहे हैं, तो वो भी आपके लिए सेहतमंद है। फोर्थ है स्क्वैशेस में से, अगर आप ग्लूकॉन डी लेते हैं तो इसमें ना तो कोई हार्मफुल कलर है ना ही प्रिजर्वेटिव, लेकिन हाँ ये ग्लूकॉन डी एक तरह का शुगर है, सिंपल शुगर ही है, क्योंकि आपको ये इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो जो डायबिटिक लोग है वो इसे ना ले, और ये रेगुलर लेने की चीज नहीं है, क्योंकि अगर आप ग्लूकोज डेली लेते हैं तो उसका ऐसा ही मतलब हुआ कि आप डेली हॉस्पिटल जा रहे हैं और अपने आप को ग्लूकोज का ड्रिप चढ़ा रहे हैं। तो अगर जब ओकेजनली आपको कभी हरासमेंट लगे, ज्यादा गर्मी है, तो उस टाइम पे आप इसे जरूर ले सकते हैं और अपने बच्चे को भी दे सकते हैं। पांचवें नंबर पे बडवाइजर नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक का, ये बहुत ही अच्छा है। दिस इज फार बेटर देन अदर बेवरेजेस, क्योंकि इसमें आपको कोई भी एडेड शुगर नहीं है और ना ही कोई हार्मफुल प्रिजर्वेटिव है। और सबसे लास्ट में आता है ऐसे प्रोटीन पाउडर्स जो आप अपने शेक में लेकर के ले सकते हैं। ये हैबिट कंपनी का है और ये बहुत ही अच्छा है आपकी सेहत के लिए, क्योंकि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं मिलाया गया है, प्लस आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। अगर मेरे से कोई प्रोडक्ट मिस हो गया है या कोई कैटेगरी मिस हो गई है तो प्लीज आप वो भी कमेंट बॉक्स पे लिख करके बता सकते हैं। मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं foodjasus.mera.link पे। आप फूड जासूस को इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये वाली वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी ये पता चल सके कि इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद भी गिने चुने ऑप्शंस ही हेल्दी हैं। और जो हेल्दी दिखने वाले प्रोडक्ट हैं उसे तो जरूर अच्छे से देख के तभी खरीदें। आज के लिए इतना ही। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड।